ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड ने डिपो से बोड़ाकी तक मेट्रो रूट की डीपीआर पर मोहर लगा दी है। ट्रैक की लंबाई 2.6 किलोमीटर है और इस पर करीब 416 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह डीपीआर अब शासन को भेजकर पीएम गतिशक्ति से जोड़कर वित्तीय सहायता की भी मांग की जाएगी और एक्वा मेट्रो रूट के से जो बोड़ाकी तक जाने वाले अलीगढ़ से लेकर बोड़ाकी तक ग्रेनो क्षेत्र तक के 30 से ज़्यादा गांव जुड़ जाएंगे। बोड़ाकी के गांव तक 4 कोच की मेट्रो दौड़ेगी। दरअसल ग्रेटर नोएडा के बोड़ाकी में मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनाया जा रहा है और यहां पर रेल, मेट्रो, अंतर्राज्यीय बस अड्डा और स्थानीय ट्रांसपोर्ट की सुविधा विकसित होनी है। नोएडा ग्रेटर नोएडा के बीच जो एक्वा लाइन मेट्रो का आखिरी स्टेशन डिपो है, यहाँ से बोड़ाकी तक मेट्रो का विस्तार होना है। एनएमआरसी ने इसकी डीपीआर भी तैयार कर ली है और इस डीपीआर पर ग्रेट नोएडा प्राधिकरण बोर्ड ने भी अपनी मोहर लगा दी है। बिल्डर्स के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की 2 प्लांट्स लगाने की अनुमति बोर्ड से ली गई है और शहर के जितने भी मुख्य मार्ग हैं उन पे हम लोग फसाद लाइटिंग मैंडेटरी कर रहे हैं। जो वहाँ के अलॉटीज हैं जिनका रोड साइड अलॉटमेंट है उन्हें मैंडेटरीली नोटिस देने के 4 महीने के अंदर फसाद लाइटिंग करनी होगी। एक और बड़ा डिसीशन जो हुआ है वो यहाँ पे जो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब भी भविष्य में आना है, वहाँ तक के लिए जो मेट्रो लाइन बननी है डिपो से लेकर बोड़ाकी, उसको भी सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी गई है।